आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में जनपद मुरादाबाद में अवैध शराब के निर्माण बिक्री व तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी टीम द्वारा भातु कॉलोनी रेलवे हड़ताला कॉलोनी एवं कुनरकी में की गई दबिश चेकिंग के दौरान कुल 3 अभियोग पकड़े गए तथा अवैध शराब बरामद की गई तथा लगभग 200 ग्राम लेहन एवं अवैध शराब बनाने के उपकरणों को मौके पर नष्ट किया गया। देखिए आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में हमारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चल रहा है और इसमें काफी कंट्रोल है और जगह जगह पर छापेमारी हो रही है। इसी सिलसिले में कल शाम को भातु कॉलोनी और अन्य जगहों पर जो आबकारी टीम द्वारा छापेमारी की गई, इसमें 103 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई और लगभग 200 केजी लहन नष्ट किया गया। और इसी तरह से हमारा अभियान लगातार चल रहा है और जनपद में काफी कंट्रोल है। सर इसमें कितना अभियुक्त पकड़ गए? इसमें दो हमारे 3 अभियोग पंजीकृत हुए हैं और जो आबकारी टीम में जो हमारी टीम थी उसमें आबकारी निरीक्षक सिद्धार्थ गौतम मिश्र, जयप्रकाश सिंह और अजय कुमार सिंह और नीरज सिंह, ये आबकारी निरीक्षक थे और मैं स्टाफ के ये जो दर्ज की गई थी। और इसमें जो 3 अभियोग दर्ज किए गए हैं और उसमें जो 103 लीटर लगभग कच्ची शराब बरामद हुई है और ये अभियान हमारा लगातार जारी है। सर जो 3 अभियुक्त पकड़ गए हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई है? उनपे जो अभियोग जो पकड़े गए हैं उसमें जो नियमानुसार अधिक कार्रवाई की गई आपके निरीक्षकों की तरफ से। सर ये जो टीम है आपकी ये कब तक अभियान चलाती रहेगी? ये तो हमारा लगातार चल रहा है और चूंकि ये एक अभियान हमारा जो अवैध शराब के विरुद्ध लगातार चलता रहता है क्योंकि अगर अवैध शराब को कंट्रोल करते हैं जिससे हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू से संबंध होता है तो ये अभियान हमारा लगातार अनवरत जो हमारी टीम चलती रहती है। कभी जो इसमें पुलिस प्रशासन की का सहयोग लिया जाता है और संयुक्त रूप से कार्रवाई भी की जाती है।